ये कड़े तो बहुत प्यारे हैं। हाँ बेटा, कई दिनों से सोच रही हूँ ऐसे दो और रखे हुए, वो पहनने का टाइम ही नहीं मिलता। सामने कौन? वालेकुम अस्सलाम बेटा। दादू आपकी सारी पैकिंग हो गई है, मैं हेल्प कर दूं? नहीं बेटा, लुबना ने सारी पैकिंग करवा दी है। जीती रहो तुम दोनों। मम्मी कहाँ है? वो थोड़ी देर पहले तैयार हो रही थी, शायद कहीं जा रही हैं। हाय हाय, जब भी तो मैं कहूँ घर में इतनी खामोशी क्यों है भाई। अच्छा बेटा, तुम दोनों से ना मुझे एक जरूरी बात करनी है। जी दादी। जी बोले। बेटा एक और एक ना 11 होते हैं, और तुम दोनों बहनें ना अगर मिलजुल के रहोगी ना तो इसी में तुम दोनों की भलाई है बेटा। अगर किसी को भी ना किसी की कोई बात बुरी लगे ना तो उसके मुंह पर बोलो, दिलों में मत रखना बेटा, इस तरह नफरतें ज्यादा हो जाती हैं आपस में। दादू आप बेफिक्र हैं, जो हुआ वो आइंदा नहीं होगा। और मैंने अरसलान भाई और सामिया से माफी मांग ली, वो भी सच्चे दिल से। अरे बेटा ये तो बहुत ही खुशी की बात है, इस तरह बेटा प्यार जो है ना वो बढ़ता है आपस में। और एक बात बताऊं, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करो बेटा, बच्चे पैदा करना आसान बात नहीं है। और हाँ एक और बात, ये जो तुम रात को पिज्जे और ये बर्गर मंगा के जो खाते हो ना, खुदा के लिए ये बंद कर दो, इस तरह तुम्हारी सेहत ठीक नहीं रहेगी। हाय दादी, आपको कैसे मालूम? नहीं मालूम, मुझे सब मालूम है, मैं सब देखती हूँ, खामोश रहती हूँ। इसीलिए तो दादा हमारे दादी पे मरते थे। मेरा बच्चा जीती रहो।